नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NK Vlogs में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कार की फ्रंट साइड को कैसे जज करें। ये पूरी वीडियो बिगनर्स के लिए होगी जो अभी अभी कार चलाना सीख रहे हैं। यह वीडियो में मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी फ्रंट साइड को जज कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी कार की जजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कार के बोनट की डायमेंशन को माइंड में सेट करना होगा, यानी कि बोनट की लंबाई चौड़ाई को अपने माइंड में सेट करना होगा। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल। तो आपने अपनी कार के फ्रंट डायमेंशन, बोनट की लंबाई चौड़ाई को तो अपने माइंड में सेट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि पार्किंग में और ट्रैफिक में हम अपनी बोनट की साइड को, आगे की फ्रंट की साइड को कैसे जज करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सपोज़ करिए गाइस, जैसे हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक है और ये सामने हमारे ऑल्टो गाड़ी जाती है, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे वो सामने गाड़ी के जो नंबर प्लेट दिख रही है आपको, अगर वो नंबर प्लेट जहाँ आपको दिखना बंद हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ जाए, दिखना बंद हो जाए, तो आपको गाड़ी रोक देनी है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। ये देखिएगा, जैसे नंबर प्लेट दिखना बंद हो गए, अब रोक देगी। ये देखिए कितना प्रॉपर गैप मेंटेन हो रखा है इन दोनों के बीच में। चलिए अब मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ रोड पे। ये देखिएगा, जैसे ही आगे मेरा गाड़ी आगे चल रही है चैन, और जैसे इसकी देखिए ये नंबर प्लेट दिखनी बंद हुई, यहीं ब्रेक मारती, तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी काफ़ी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों रनिंग गाड़ी का। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तब कैसे करेंगे आप? ये तरीका है दोस्तों, जैसे आपको सामने वाली गाड़ी का देखिए स्विफ्ट जा रही है, अगर इसका बम्पर दिखना बंद हो जाए तो वहीं पे ब्रेक लगा दीजिए। ये देखिए, आपको अपनी गाड़ी के जो लास्ट में डैशबोर्ड के लास्ट में दिख रहा है ना, लास्ट में, इससे आपको अपनी सामने वाली गाड़ी के बम्पर को देख के जज करना है। ठीक है, जैसे ही बम्पर दिखना बंद हो जाए अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा देनी है। ये देखिएगा जी, बम्पर दिखना बंद हुआ, हमने ब्रेक मार दी, फिर आगे करेंगे। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, दिखना बंद हुआ, ब्रेक मार दी। ये देखिए, दिखना बंद हुआ, ब्रेक गई, जैसे स्विफ्ट जा रही है आगे डिजायर, इसका ये हमें, ये देखिए बम्पर दिखना बंद हुआ, ब्रेक मार दी। देखिए अब फिर दिख रहा है, फिर बंद हुआ बम्पर दिखना, फिर ब्रेक मार दी। इससे क्या है, हमें आपको लगेगा एकदम चिपक गई, लेकिन ये गाड़ी के बीच में दूरी बनी रहेगी। आपने ये तो सीख लिया फ्रंट साइड को कैसे जज करना है ट्रैफिक में। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब जैसे घर में पार्किंग है, तो पार्किंग है, सामने दीवार है, अब आप तब कैसे जज करेंगे? तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी गाड़ी की को स्टार्ट करके उसकी हेडलाइट ऑन कर लीजिए। हेडलाइट ऑन करके, लेकिन ध्यान रखिए कि हेडलाइट जो है आपकी वो लो बीम पे होनी चाहिए, ना कि हाई बीम पे। जैसे हाई बीम पे हमें, लो बीम पे होनी चाहिए हेडलाइट। तो ठीक है, अब हेडलाइट में देखिए, जैसे जब आपको हेडलाइट दिखना बंद हो जाएगी, जैसे बम्पर दिखना यहाँ तक बंद हो जा रहा था, वैसे हेडलाइट दिखना यहाँ तक बंद हो जाएगी, तो ये समझ जाइए कि आपकी गाड़ी सही पार्क हो गई है। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ा के। ये देखिए अभी लाइट दिख रही है, अभी और दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे बंद हो गई लाइट दिखना। तो अब देखते हैं चल के कितना स्पेस बचा हुआ है। ये देखिए गाइस, प्रॉपर पार्किंग हो रखी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल।